नमस्ते। आज हम एलिमेंट का मेन जो लाइन कलर हैं उसके साथ जो जो लिंकिंग होता है उसके बाद लैंडस्केप में आई है। तो लैंडस्केप में जो मैंने ड्राइंग कैसे करना, पेंसिल यूज नहीं करना, पॉइंट वाला ब्रश 0 या 1 नंबर या 3 नंबर का लेके उसका ड्राइंग को न्याय करना, परफेक्ट ड्राइंग करना, सामने वाले को कंपेरिट करके ड्राइंग करना, सब बात हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे कलर अप्लाई के लिए। कलर अप्लाई के लिए टोनल वैल्यू के हिसाब से आपको कलर में जानेगा। देखो, ऑयल कलर में ही नहीं, वो डार्क में से लाइट आना पड़ता है, और वाटर कलर में लाइट में से डार्क टोनल करना पड़ता है, तभी आप को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्योंकि लाइट छोड़ जाओ और डार्क कंटिन्यूस करते हो, लाइट छोड़ते। और दूसरी बात, मेन वाटर कलर जो करते हो उसके लिए ये कलर इतना हार्ड है कंट्रोल करने में कि बहुत सा जो काम करते हैं उसको भी फेलर कर देते हैं। वाटर कलर हम समझते इतना इजी नहीं है, वो देखने में, वाटर नाम देने में, वाटर में पानी मिला के करेंगे, ऑयल की झंझट नहीं, ऐसे समझ के करोगे तो वाटर कलर में सक्सेस हो ऐसा नहीं समझना। क्यों? कि वाटर कलर की एक क्वालिटी जो है वो आपको संभाल के काम करना पड़ेगा। ओवरलैप बहुत हुआ तो कलर की जो स्टेटेंसी कहते, जो कलर की एक क्वालिटी होता है, एक खास प्रकाशित कलर होता है, वो थोड़ा डाउन लगेगा। और करोगे तो और डल हो जाएगा, और करोगे और डल हो जाएगा, तो पूरा जब लैंडस्केप बन जाएगा धुंधलामय लगेगा, बिल्कुल डस्टमय लगेगा। वो ओरिजिनलिटी कलर के जो हैं आपने लिया, ट्री का, स्काई का, पानी का, वो सब लिया, वो बिल्कुल डर्टी जैसा लगेगा। इसलिए इसमें फर्स्ट वॉश करने के बाद फर्स्ट टोन, सेकंड वॉश, थर्ड वॉश, बहुत तो फोर, बाद में फिनिशिंग, बात खत्म। इसमें बस आप ज़्यादा डिटेल करना चाहते हो, जो ऑयल में करना चाहते हो वैसा इसमें करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे। तकलीफ में मीन्स कलर को मार देगा, क्योंकि नीचे जो कलर है वाटर कलर है, ऊपर आप फिर वाटर डाल के करोगे और फिर वाटर डाल के करोगे, नीचे वाला कलर निकलता रहेगा, वो पेपर को पकड़ नहीं सकेगा। और सूख जाने के बाद करोगे तो सेपरेशन दिखाई देगा। इसलिए जो लाइट छोड़ना है वो लाइट छोड़ते जाओ, छोड़ ही दो उसको, मास्क में छोड़ दो। ये ऑयल कलर की तरह डिटेल्स में मत जाओ, वो आप हैबिट रखो, तो उसके हिसाब से डायमेंशन आपका परफेक्ट पकड़ में आ जाएगा, और बहुत बढ़िया रीते आप वर्क कर सकोगे, और पेंटिंग देखने में भी अच्छा लगेगा। इसमें आपको दो चीज़ें, आजकल ऑयल में भी लैंडस्केप करते हैं, वाटर में भी करते हैं, और एक्रेलिक में करते हैं। तो एक्रेलिक, वाटर और ऑयल, जिन्हें की क्वालिटी समझो। ऑयल में इस सब में ऑयल कहते हो, वाटर कलर कहते हो, और एक्रेलिक कहते हैं, तीनों तीन में सिंथेटिक तो है, तीनों तीन में रेजिन और हार्डनर तो डाल के ही बनाया है, पाउडर डालने के बाद ही इसकी मैकेनिज्म है। पर तीनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मेन तीन कलर होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। ब्लू का भी 3-4 टोन है, रेड का भी 3-4 टोन है, येलो का भी 3-4 टोन है, और उसके मिक्सन से दूसरा सब कलर बना है, सेकेंडरी को या टर्सरी को या फोर्थरी को या क्या कहते हैं उसको, ग्रे कलर को, जो कलर अब टिंट कलर को जो को, वो सब बना है। ये तीन कलर मेन है।
कंपनी वाला तो हमको 72 शेड पकड़ा देगा, तो वो तो मांगो इतना शेड वाला आपको देगा, क्योंकि उसको तो मार्केट करना है, उसको आर्ट क्वालिटी कहाँ देखना है, उसको तो मार्केट करना है, रेडीमेड आपको देना है। इसलिए कलर स्कीम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसको रेडीमेड टोन मिल गया है, पर टोन कहाँ डालना वो तो बहुत तकलीफ होता है। तो ये जो ऑयल कलर, एक्रेलिक और वाटर कलर, तीन तीन में क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? वाटर कलर कहते पर वाटर डालने में ध्यान रखना, ऑयल कलर कहते पर ऑयल डालने में ध्यान रखना पड़ता है, एक्रेलिक के तो इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसका लिक्विड जो होता है वो डाल के ही काम करो। बहुत सारे लोग वाटर लेके काम करते हैं, वो गलत है, क्योंकि एक्रेलिक वाटर और ऑयल का मीडियम भाग है, बीच वाला भाग है, उसमें ट्रांसपेरेंट भी दिखाई देती है, ओपेक भी दिखाई देते हैं। ऑयल कलर में ओपेक ज़्यादा होता है और वाटर कलर में फुल ट्रांसपेरेंसी होती है। तो तीनों तीन कलर कैसे यूज करना वो आर्टिस्ट के लिए बहुत महत्व की चीज़ है। आजकल तो मोस्ट ऑफ 80% वो एक्रेलिक यूज करते हैं, पर मैंने बहुत सारा पेंटिंग देखा है इसमें वाटर कलर की ज़्यादा उपयोगिता है, दिखाई देती है, पर एक्रेलिक के साथ उसका लिक्विड आता है वो भी सिंथेटिक होता है, रेजिन ही होता है, वो पतला रेजिन होता है, हल्का रेजिन का पार्ट कम हो और पानी ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से वो कलर पिघलने में फटेगा नहीं। एक्रेलिक में जब आप वाटर कलर डालोगे ना, बोले वाटर डालोगे ना, पानी डालोगे ना, फटेगा वो कलर, और जब कैनवास पर या पेपर लगाओगे ना तो वो कलर का जो एकदम स्मूथली दिखाई देना वो नहीं दिखाई देगा। और एक्रेलिक सूखने में भी बहुत स्पीडी है, इसमें आप धीरे से काम करोगे तो पॉसिबल नहीं है, उसमें आप डेप्थ दिखाने के लिए वो जो कलर है उसकी डेप्थ दिखाने के लिए बारंबार उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तब उसमें डेप्थ आ जाता है। एक सबसे बड़ी ये है कि ये लिक्विड जो हैं वो वाटर मीडियम से बना है, और आप उसके ऊपर थपेड़ा ऊपर थपेड़ा ऊपर थपेड़ा ऊपर थपेड़ा मारते जाओगे, समय जाते जाते वो पकड़ छोड़ देता है कैनवास से या पेपर से और निकल जाता है। इसलिए ऑयल की तरह उसको यूज करना जरूरी नहीं है, और करो मत, और पानी की वाटर कलर की तरह भी यूज मत करो, मीडियम पद्धति से उसको यूज करना, करके ये दोनों का मीडियम है। ऑयल कलर में बहुत सारे लोगों को झंझट लगती है, ऑयल कलर जैसे काम नहीं है, ऑयल में जो क्वालिटी आएगी वो दूसरे में नहीं आएगी, ऑयल में पॉसिबिलिटी है निकालना डालना निकालना वो है, इसमें ऑयल में बहुत सारा चांसेस हैं सुधारने का। एक बार आपका कोई काम थोड़ा बिगड़ गया उसको एक हफ्ते नहीं टच करो फिर काम करो तो वो काम अच्छा हो जाएगा, ऑयल में शक्य है, वाटर में वो शक्यता नहीं है, एक्रेलिक में बिल्कुल नहीं है, ऑयल में वो शक्यता है। ऑयल काम करने में आपको मुझे पता है कि क्या तकलीफ है सबसे ज़्यादा, कि इसमें दो चीज़ ज़्यादा तकलीफ वाला है, एक तो उसमें जो स्पिरिट यूज करते हैं और इसमें ज़्यादा जो लिंसिड यूज करते हैं और इससे ज़्यादा जो टर्पेंटाइन यूज करते हैं, उस सबकी जो स्मेल आती है वो लोगों को बहुत कम पसंद है। दूसरा वो प्लेट पर सूख नहीं जाता है, कैनवास पर सूख नहीं जाता है, समय लगता है उसको, तो समय लगता है इसलिए धीरज आर्टिस्ट में कम रहती है। आर्टिस्ट जब काम करने बैठता है तब बहुत उस मन में जोश होता है। मैं बाद में बात करता हूँ, इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है।